हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग अगेन। सो काफ़ी रात हो गई, लेकिन फैबिन ने अपना टाइम निकाला। मैं बताया कि आज मैं बिज़ी रहा, फैबिन से नहीं मिल पाया था। तो फैबिन एक्चुअली आज आखिरी दिन है उसका लखनऊ में। आपको बिलीव नहीं होगा, वो भी बाहर जा रहा है। तो पूछते हैं, चलिए आज फैबिन से ही पूछते हैं कि वो उसके लाइफ के बारे में। सो फैबिन, आप बता सकते हैं। हाय हाय फ्रेंड्स, प्रभु को महिमा हो। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। मैं लखनऊ छोड़ रहा हूँ, कल सुबह इस लखनऊ को छोड़कर अपने जो परमेश्वर ने जो रखा हुआ उस रास्ते तक पहुँचना चाहता हूँ। लखनऊ में जितना दिन जितना साल मैं रहा, मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। हम ज़्यादातर किसी पर डिपेंड नहीं कर सकते, और ना ही हमारे रिश्तेदार दोस्त लोग। वो लोग हैं, मेन हैं, पता है, मगर हमारी जब ज़रूरत आ जाती है सब प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। कभी कभी ये लोग हमारे साथ नहीं दे सकते, मगर हमारे जीवित परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ हर वक्त रहता है, हमें चलाता है, और हमारे सारे परेशानियों का हल वहाँ से मिल जाता है। और एक चीज़ है, जो प्यार दुनिया का है वो प्यार का एक लिमिट है, जो शांति जो दुनिया का है उसका लिमिट है, सब चीज़ का लिमिट है इस दुनिया में। मगर परमेश्वर को जाने और परमेश्वर को महसूस करें, उसके प्यार को चखने की कोशिश करें, तो उसका प्यार का कोई लिमिट नहीं, उसकी शांति का कोई लिमिट नहीं, उसकी आशीषों का कोई लिमिट नहीं। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, परमेश्वर पर यीशु मसीह को जाने और परमेश्वर के उस प्यार को चखने की कोशिश करें, क्योंकि 2000 साल पहले वो हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए वो सूली पर अपनी जान को बख्शा। इसलिए परमेश्वर को जाने और सब लोग, प्रभु सबको आशीष दे। इस छोटी सी मैसेज आप सबको पूरी तरीके से बदल दे, और आप सबको एक आशीष के कारण बने, मैं प्रार्थना करूँगा। धन्यवाद। तो फैबिन, आप कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दीजिए। मैं कल एक्चुअली पहले दिल्ली जा रहा हूँ मेरे घर पे, और वहाँ से मेरे जॉब चेन्नई में मुझे मिला है। मैं चेन्नई में जाऊंगा, परमेश्वर की सेवा और परमेश्वर की उस बातों को दूसरे तक पहुंचाऊंगा। ये है मेरा नया काम। लाइफ। सो हम सच में बोले, फैबिन बहुत औसम है, मैं आप उसकी तारीफ करना चाहता हूँ, लेकिन अभी आपको लगेगा कुछ ज़्यादा। लेकिन मैं फैबिन के बारे में बता दूँ, नेचर बहुत अच्छा है, वो परमेश्वर के रास्तों पे बहुत अच्छे से चल रहा है। हम प्रार्थना करेंगे कि उसकी लाइफ का जो जो कैरियर है बहुत ऊँचे तक जाए वो, और उसके मैसेज से इस समाज में लोग बदले। तो फैबिन, आपने इतना इंपॉर्टेंट टाइम दिया, उसके लिए थैंक्स, और वी प्रे फॉर योर जर्नी। और सारे लोग प्लीज़ कमेंट में उसके लिए बताइए, और उसके लिए कमेंट करिए और प्रे करिए। सो फैबिन, इसी के साथ बहुत अच्छा लगा, और आप जब भी लखनऊ आइए प्लीज़ हम लोगों से मिलिए। ओके, बाय। बाय।